असम सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया, जबकि कुल 3.29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। बताया जा रहा है कि असम में मुस्लिमों को बांग्लादेशी कहकर निकालने के लिए सरकार ने NRC ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत राज्य में रहने वाले भारतीयों की पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। इस रजिस्टर में जिन आवेदकों का नाम नहीं है उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रविवार को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने शैलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ड्राफ्ट एक हिस्सा है जिसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम सामने आए हैं। जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है उनके दस्तावेजों की जाँच हो रही है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद दूसरा ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया कांग्रेस के वक्त में शुरू हुई थी। 2005 में असम में कांग्रेस का शासन था, फिर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई। इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार 31 दिसंबर तक NRC का पहला ड्राफ्ट जारी करे। राज्य में पहला NRC ड्राफ्ट जारी होने के बाद तनाव की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार ने लोगों से संयम बरतने और किसी भी तरह के अफवाह में नहीं आने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।